हेलो वीवर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन इंग्लिश एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अमेरिकन इंग्लिश और इसके फीचर के बारे में और साथ ही साथ हम आपको फाइनली बताने वाले हैं इसके डिफरेंसेस जो कि ब्रिटिश इंग्लिश से हैं या फिर इंडियन इंग्लिश से हैं तो आइए शुरू करते हैं अमेरिकन इंग्लिश इज़ अ रिच वैराइटी ऑफ द इंग्लिस लैंग्वेज हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज की एक वैरायटी है और इसको हमने रिच वैरायटी कहा यानी एक समृद्ध है ताकतवर देश की एक भाषा है इसी कारण से इसको रिच वैरायटी कहा गया है यहाँ पर इट इज़ नोन फॉर इट्स वेरिड और चेंज्ड प्रोनाशिएशन अब चूंकि इसमें प्रोनाशिएशन की थोड़ी बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिलती है साथ ही साथ वॉकेबिलरी ग्रामर एंड स्पेलिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड और जनरल अमेरिकन इंग्लिश इसे हम स्टैंडर्ड या जनरल अमेरिकन इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं इट वॉज़ औरिजिनेटेड इन नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द अर्ली सेवनटीन सेंचुरी सेवनटीन सेंचुरी की शुरुआत में इसका जन्म हुआ नॉर्थ अमेरिका में इट वॉज़ अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का ही एक ये परिणाम था और स्वाभाविक है कि ब्रिटिश लोग जहाँ भी गए तो अंग्रेजी भाषा को लेकर गए और बाद में उसे एक अलग वैरायटी का नाम दिया गया क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट के हिसाब से या स्थान के हिसाब से लोगों के हिसाब से उस उच्चारण में या तरह तरह की जो भिन्नता पाई गई इट बिकेम मोर कॉमन आफ्टर द मिड एटीन सेंचुरी यानी 1750 के बाद ये और भी ज़्यादा कॉमन हो गई अब आगे बात करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ इट डिड नॉट चेंज लाइक ब्रिटिश इंग्लिश अब हमने देखा है कि ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत सारे वेरिएशंस आए वक्त के साथ इसमें बदलाव आए चाहे हम ग्रामर की बात करें चाहे हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें आज हम आर को फॉलो करते हैं रिसीव प्रोनाउंशिएशन को लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये चीज़ नहीं हुई दिस इज़ द रीज़न दैट दिस बिकेम डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश और यही कारण है कि यह ब्रिटिश इंग्लिश से अलग हो गया थोड़ा बहुत अंतर हो गया फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए र इज़ नॉट प्रनाउंसड इन एवरी कंडीशन विच इज़ अनयूजल इन ब्रिटिश इंग्लिश यानी रा को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है है ना नदर रीज़न ऑफ दिस वेरिएशन दैट मैनी अदर पीपल इमिग्रेटेड टू अमेरिका एंड ब्राउट स्लाइड चेंजेस इन द लैंग्वेज और बहुत से लोग अमेरिका आए और इस लैंग्वेज में बदलाव लाया समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कम्पेयर्ड टू द रिशिव्ड प्रोन्सिएशन कभी कभी इसकी जो कंपेरिजन है तुलना रिसिव्ड प्रोनाशिएशन यानी आर पी से भी की जाती है इफ़ वी कंसिडर द फ़ीचर्स ऑफ द अमेरिकन इंग्लिस दे आर इन नंबर्स हम इनके फीचर्स की बात करें तो ये बहुत सारे हैं इट हैज़ ऑल्सो मनी वेराटीज इसके बहुत सारे वेराइटीज़ भी हैं एज इट हैज़ गोन थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चूंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं एट द सेम टाइम साथ ही साथ इट डिड नॉट अडॉप्ट एनी वेरिएशन इन द स्पेलिंगस लेकिन इसने स्पेलिंग्स इस में कोई वेरिएशन नहीं करी है ये तो रहा पहला है ना अब बात करें हम दूसरे वॉक्यूबलरी की तो वॉक्यूबलरी हैज़ ऑलवेज बिन एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश वॉक्यूबलरी भी जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है महत्वपूर्ण पहलू रहा है इट इज़ नोन फॉर इट्स बेटर एक्सप्रेशन और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन इंग्लिश की जो भी वर्ड्स हैं वो बेटर एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कन्सिडर्ड दैट यह माना जाता है कि सिक इज़ अ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ़ इल सिक जो है इल के बजाय बेहतर ऑप्शन है इन द सेम वे इसी तरह से वी यूज़ मूवी इंस्टेड ऑफ़ फिल्म हम फिल्म की जगह मूवी का प्रयोग आज बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं मूवी एक अमेरिकन इंग्लिश की वॉकेबलरी की वर्ड है देर आर सो मैनी सच एग्जाम्पल्स विच प्रूव दैट द अमेरिकन वर्ड्स आर मोर इफिशियंट और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि अमेरिकन जो वाकेबलरी है वो ज़्यादा इफ़िशियंट है ज़्यादा सक्षम है चीज़ों को एक्सप्रेस करने में हम तीसरी बात कर लें इसके फीचर्स की तो अमेरिकन इंग्लिस हैज़ ऑल्सो डिफरेंट फोनोलॉजी इसकी फोनोलॉजी भी थोड़ी अलग है इट इज़ नॉट कम्पलीटली डिफरेंट फ्राम ब्रिटिश इंग्लिस ये ब्रिटिश इंग्लिश से पूरी तरह से तो अलग नहीं है बट इट हैज़ कंसिडरेबल वेरिएशन लेकिन इसमें बदलाव जो चेंजेज हैं वो महत्वपूर्ण हैं और उसको जानना चाहिए इट सॉज डिफरेंट एक्सेंट समाइम्स कभी कभी उच्चारण में भी फेरबदल देखने को मिलता है देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो हम वाटर को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं ब्रिटिश में हम इसको वाटर बोलते हैं लेकिन इट इज़ प्रोनाउंसड एज वाटर इन अमेरिकन इंग्लिस यानी जो अमेरिकन इंग्लिश में वाटर है वो ब्रिटिश इंग्लिश में वाटर हो जाता है इन द सेम वे इसी तरह से हम सदर्न जो कि इसको ब्रिटिश में हम पढ़ते हैं या अमेरिकन में साउदर्न पढ़ा जाता है तो ये सारे वेरिएशंस काफ़ी कॉमन है है ना हम चौथे इसके फीचर की बात कर लें तो पंक्चुएशन पंक्चुएशन भी इसका एक अहम जो है पहलू है ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस वायल रीडिंग और राइटिंग अमेरिकन इंग्लिश जब भी हम चाहे वो पढ़ रहे हों या लिख रहे हों अमेरिकन इंग्लिश को सिंगल इन्वर्ट कोमा इज़ ऑफन अवॉइडेड इन अमेरिकन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कोमा के यूज़ को बहुत कम देखा जाता है एट द सेम टाइम इट फेवर्स द यूज़ ऑफ डबल इन्वर्ट कॉमास या डबल इन्वर्ट कमास के यूज़ पर ज़्यादा फोर्स करती है ज़्यादा फोकस करती है एज़ पर अमेरिकन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक द पीरियड्स फिनिश आफ्टर द इन्वर्ट कॉमास इन्वर्टिड कॉमास के बाद फुल स्टॉप या पीरियड को दिया जाता है वैल इन ब्रिटिश इंग्लिश जब जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप्स आर प्रेजेंट विद इन द इन्वर्टिड कॉमास इन्वर्टिड कॉमास के अंदर ही फुल स्टॉप्स होते हैं है ना ओवरऑल अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन मेनी वेज़ बहुत तरह से यह ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है दिस इज़ द रीज़न दैट यही कारण है कि इट्स कैरेक्ट्रिस्टिक्स आर आल्सो वेरी डिफरेंट कि इसके जो गुण हैं वो भी बिल्कुल अलग हैं इट हैज ऑल्सो मेनी वैराइटीज इसके भी बहुत सारे वैराइटीज़ हैं जैसे सिकैनो इंग्लिश द बेस्ट स्टडी लैटिनो इंग्लिश भी कहा जाता है इसको न्यूयॉर्क लैटिनो इंग्लिश यशिवा इंग्लिश काजुन वर्नाक्यूलर इंग्लिश एंड पेनिस्लिया डच इंग्लिश अमेरिकन इंडियन इंग्लिश इज ऑल्सो कॉमन अमॉन्ग इंडियन ट्राइब्स जो इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं वो अमेरिकन इंडियन इंग्लिश बोलते हैं ऐसा कहा जाता है देरफोर द वर्साटिलिटी ऑफ अमेरिकन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इसकी जो पॉपुलरिटी है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है दिस इज़ द रीज़न दैट यही कारण है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डोमिनट वैराइटी ऑफ इंग्लिस लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा प्रभावी वैराइटी इसको माना जाता है अब बात कर ले हमने जैसा कहा था कि हम अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश के डिफरेंस की भी बात करेंगे तो आइए उसे भी देख लिया जाए वी ऑल नो दैट वी इंडियंस स्टडी ब्रिटिश इंग्लिश कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को स्टडी करते हैं बट स्टिल देर आर सम समिफरेंसिज विच आर वेरी कॉमन लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसिज हैं जो कि काफ़ी कॉमन है प्रोनाउंशिएशन मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस उच्चारण वैल इंटरेक्टिंग विद इन विद नेटिव स्पीकरस फॉर एग्जाम्पल विटामिन हम ब्रिटिश में इसको विटमिन पढ़ते हैं चाहे वो ब्रिटिश हो या इंडियन हो वेल इट इज प्रोनाउंस्ड वाइटमिन इन अमेरिकन इंग्लिश तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है और इंटरेक्ट इंटरेक्ट करते वक्त हमें परेशानियाँ हो सकती यदि हम इसके उच्चारण से वाकिफ ना हों इन द सेम वे सेड्यूल सेड्यूल जो है ब्रिटिश इंग्लिश में या इंडियन इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है वेल इट इज प्रनाउंसड स्कैड्यल स्कैड इन अमेरिकन इंग्लिश बिसाइड्स प्रोनाशिएशन प्रोनाउंशिये को छोड़कर वॉकबलरी आल्सो डिफर्स व्हेन वी कंपेयर इंडियन एंड अमेरिकन इंग्लिश वॉक्यबलरी भी बिल्कुल अलग है इट आल्सो समटाइम्स मेक इट डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद नेटिव अमेरिकन स्पीकरस और ये एक मुश्किल पैदा करती है जब हम बात कर रहे हो किसी नेटिव अमेरिकन स्पीकर से तो आइए कुछ वॉकबलिटी के एग्ज़ाम्पल्स को देख लें जैसे कर्ड हम कर्ड बोलते हैं तो यागर्ड अमेरिकन बोलते हैं हाफ पैंट को वो लोग शॉर्ट्स बोलते हैं हम ट्रायल रूम बोलते हैं जबकि वो फ़िटिंग रूम बोलते हैं हमारे लिए फ़िटिंग रूम का मीनिंग कुछ और हो जाएगा पर्स वो लोग वॉलेट बोलते हैं वॉलेट में डबल एल हो जाएगा हैंड बैग वो लोग पर्स बोलते हैं इसे कॉलेज हम लोग बोलते हैं वे लोग स्कूल बोलते हैं हम लोग मार्क्स बोलते हैं वो ग्रेड्स बोलते हैं यूनिवर्सिटी को भी वे लोग स्कूल बोलते हैं प्राइमरी स्कूल को वे लोग एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं बिस्किट को कुकी बोलते हैं कैप्सिकम को बेल पेपर बोलते हैं चॉकलेट को वे लोग कैंडी बोलते हैं ड्राई ग्रेप्स को रेजेंस बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक को वे लोग सोडा बोलते हैं होटल को रेस्ट्रा बोलते हैं बाथ को शावर बोलते हैं चिविंगम को वे लोग गम बोलते हैं सेल को बैटरी बोलते हैं सिनेमा को मूवी थिएटर बोलते हैं बायोडाटा को रिज्यूम बोलते हैं देयरफुल वी कैन कंक्लूड दैट ये सब देखते हुए हम इस बात पर बिल्कुल अड़े रह सकते हैं या इस बात को कह सकते हैं दैट देर आर सो मैनी डिफ्रेंसेज बहुत सारे अंतर हैं बिटवीन अमेरिकन एंड इन इंग्लिश अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश के बीच में विदाउट नोइंग दिस डिफरेंस वी कान्ट कम्यूनिकेट इन डिफरेंसेज को जाने बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते विद ने नैटिव अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर कोई नेटिव अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर यदि हो तो आई होप कि हमने जो आपको ब्रिटिश या इंडियन और अमेरिकन इंग्लिश के बीच के डिफरेंसिस को बताया वो आप समझ पाए होंगे यदि आपने ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन इंग्लिश भी पढ़ी होगी तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या डिफरेंसेज हैं हालाँकि डिफरेंस तो और भी हैं लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही आप कोई और वीडियो देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं यदि आप ये, ये वन के बच्चे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग